प्रतियोगिता आज मैम आपको गोमुखासन करवाएंगे। और गोमुखासन से बेटा हमारे हाथ और पैर, लेग्स और हैंड्स आपके बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं और उसमें चेस्ट भी बहुत स्ट्रांग बनती है और ऐसे गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये वाला आसन आपको 3 टाइम्स रिपीट करना। सभी आपको जो पीछे भी करवाया ना मैम ने, वो भी आपको एक बार करके छोड़ना नहीं, उसको 3 बार तो उसको रिपीट करना ही है एक आसन। ठीक है, तभी उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसके फायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे करना है। अभी पहले वज्रासन में बैठे हैं, ठीक है, और फिर वज्रासन से ऐसे इस वाले पैर को, नीचे वाले को फोल्ड रखेंगे, दूसरे वाले पैर को अपने हील्स को इसको इस थाइज के पास लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, वो जो लेग आपकी ऊपर है ना, इसी हैंड को भी ऊपर करेंगे बस, और पीछे से दूसरे हाथ से इसको ऐसे ऐसे पकड़ कर और फिर पूरा स्ट्रेच करना है ऐसे, अपनी गर्दन को भी अपने ऐसे, और ऐसे आप 20-30 सेकेंड के लिए रुकेंगे ऐसे, और फिर धीरे धीरे ऐसे छोड़ते हुए नीचे आ जाए ऐसे वापिस आ जाए। जो पैर नीचे था ना, अब इसको ऊपर लेके आएंगे और नीचे वाले को ऊपर, नीचे ऊपर वाले को नीचे फोल्ड कर देंगे ऐसे, इसको इससे स्ट्रेच करते हुए इस वाली थाइज के पास ले आएंगे। ठीक है, ऐसे, और जो पैर ऊपर है ना, उसी हाथ को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और पीछे से दूसरे वाले हाथ से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। और आपका हाथ अगर टच नहीं होता ना बेटा, ऐसे नहीं होता आपसे, तो थोड़ा कम कर लेना, जबरदस्ती मत करना। ठीक, जितना आपसे हो पाता है ना बेटा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कैसे कोशिश कर सकते हो, अब इतना जाता है तो इतना ही कर लेना। ठीक है, और अगर जाता है तो आप इसको ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, इतना जाता है तो इतना ही कर लेना, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे रोज करोगे ना, तो आप ऐसे भी कर पाओगे ऐसे। ठीक है, ओके, अब ऐसे श्वास छोड़ते हुए इसको नीचे ले आएंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप रोज करेंगे। ठीक है, और कम से कम भी 3 टाइम्स एक आसन को जरूर रिपीट करना है। ठीक है, ओके बेटा, है ना, और रोज करना है। टेक केयर, बाय बाय।